हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है। अ डाई हैज़ टू फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेस ईच विद नंबर 2 एंड 1 फेसेस विद नंबर 3। इफ डाई इज रोल्ड वंस डिटरमिन, हम लोग का फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, सेकेंड में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 और थर्ड में क्या है प्रोबेबिलिटी नॉट 3। अब यहाँ पे समझिए हम लोग क्या कह रहा है। एक डाई है जिसके दो फेस में कितना नंबर लिखा है, 1 लिखा है, दो फेस में 1 1 लिखा है और 3 फेस में 2 2 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है। 3 फेसेस में कितना लिखा है, 2 लिखा है और 1 फेस में 3 लिखा है। अब हम लोग जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए समझिए, पहले एक डाई में कितने फेस होते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। अ डाई हैज़ 6 फेसेस, ठीक है। देखिए कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ पे ना 1 कितने बार, देखिए 2 फेस में केवल 1 है, यानी कि 1 1, 2 फेस में 1 1 है। अब 3 फेस में कितना है, 2 2, 3 फेस में तो 2 2 2 और 1 फेस में क्या है, 3 है। देखिए काउंट करिए, 3 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया ना 6। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ फेसेस विद क्या, हम लोग का नंबर ऑफ ऐसा क्या, इफ इज 1 रोल 1 डिटरमिन P2 कह रहा है ना, सबसे कह रहा है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 2 क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेस विद 2, ठीक है, नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 2 2 क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या, हम देखिए 2 कितना है, 1 2 3 कितना है, 3 है, कितना है 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग को बताना है। तो टोटल फेस क्या हो जाएगा, देखिए टोटल हम लोग का टोटल फेस कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा टोटल फेसेस, यहाँ पे देखिए 1 और 3 यानी कि 1 2 3, देखिए कितना, देखिए 1 हो गया, ये 2 3 यानी कि 3 फेसेस है हम लोग का। टोटल फेसेस कितना 3, कौन कौन सा, 1 है और 3 है, यही होगा ना। टोटल फेसेस हम लोग कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हम लोग का, देखिए 3 है, फेवरेबल आउटकम्स कितना 3 है और टोटल आउटकम्स कितना है, 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3 3 नहीं यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, देखिए सिर्फ 1 1 ही फेसेस है इसका, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 है, टोटल आउटकम 6 है, यानी कि 3 यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के और किसी भी इवेंट के नहीं होने के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 3, इसके नहीं यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 यानी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, 1/6। सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, यहाँ पे 6 - 1 कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5/6, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।